संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ? इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, यही ना? परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनिक गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना? सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं, जिसमें ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते हैं, और फिर वो अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए। यही सोच अनुचित है, क्योंकि मित्रता बराबर वालों से नहीं होती, मित्रता हमें बराबर करती है। इसलिए नए मित्र अवश्य बनाएं, परंतु अपने पुराने मित्रों को भूलिएगा मत।